आज हमारा तीसरा दिन है पोटेड पार्टनर्स महल में, और इस सफ़र के दौरान जैसा हमने सोचा था कि हमारा सफ़र कैसा होगा, जितनी भी संभावनाएं हमने सोची थी, ये सफ़र उन संभावनाओं को परे रखते हुए बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे यहाँ पर। हर चीज़ इस होटल की और इस सफ़र की बहुत ही प्रिय है हमारे लिए, बहुत ही अच्छी यादें हमारे हमने यहाँ पर सब ली है, बहुत अच्छे पल हमने यहाँ पर अपने परिवार के साथ बिताए हैं। और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लिए कह नहीं सकते कौन सी चीज़ खराब है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ही अच्छा है। अ डेफिनेट प्लेस टू कम एंड स्टे। This is the hotel where we were. Today we are checking out from Hotel Paras Mahal Udaipur. It is situated on Hiran Magri Mark. Hey guys, this is day 3 and we are heading from Udaipur and we're going to Mount Abu, which is that way. It's another 55 kilometers or so, that's what the distance is left. The roads are extremely great, as you can see. It's the entire highway and full of toll taxes, but then बहुत आराम से हम पहुंच सकते हैं. टाइम ज़्यादा नहीं लगता, करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं फ्रॉम उदयपुर टू माउंट आबू. नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज होटल चौधरी पैलेस बैंक्वेट एंड एसी रूम. सो बस चाय के लिए रुके हैं और उसके बाद हम चल पड़ेंगे फिर से. सी यू एट स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स माउंट आबू. हेडेड टू माउंट आबू. माउंट आबू, ओके ओके. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम रुक के थोड़ा सा लंच कर रहे हैं. लंच में क्या है आपके पास? डीलक्स थाली. शुरुआत कैसे की है आपने? मंचूरियन सर सूप. ओके, और क्या क्या है साथ में? है पापड़ और छाछ. ओके, और खाने में? टू चपाती विद दाल विद पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, सम सैलेड एंड सम राइस. ओके, इज इट सफिशिएंट फॉर यू? यस इट इज. मैडम, हाँ जी, मैंने अपने लिए मंगाई चाइनीज बेल. तेरा सिर में कम क्या रखो, बाल पंखे से ऊपर से उड़ रहे थे तो मैंने सोचा इतना गिरे. मैंने अपने लिए मंगाई है चाइनीज बेल, जो मैं पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ. लेट मी डिग इन. लुक्स यम्मी. ओह यस, तो ये है चाइनीज बेल, पर मुझे खाके लगा ये अमेरिकन चॉप फ्रे टाइप से. द टेस्ट इज नाइस, ज़्यादा मिर्ची नहीं है एंड I like it. And guys, how do you like Aditi's new look? बाल ऊपर से हो रहे थे. Guys, और ये देखिए, मैंने अपने लिए मंगाया ये डबल चीज बर्स्ट पिज्जा, बहुत सुंदर, करीब 6 इंच, और देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा है. ओके गाइस, सो दिस इज द पिज्जा. कुछ ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, 120 का है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि और थोड़ा सा बड़ा होगा, बट एनीवेज टेस्ट है काफ़ी अच्छा. नाइस एक्चुअली. उदयपुर से माउंट आबू की ओर जाते हुए, जहाँ से अब माउंट आबू सिर्फ 10 किलोमीटर रह गए, पहाड़ी से ऊपर का ये नज़ारा है. Guys, we have arrived to Stirling, Mount Abu. And where should we keep? पीछे रख दो जहाँ पे जगह थी.
हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल ETC Fun Unlimited और आज हम पहुंच चुके हैं स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स जो कि माउंट आबू में है। देखिए स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स हैं, इसका रिसेप्शन और अभी हमारा रूम बन रहा है और उसके बाद हम अपने रूम पे चलेंगे। कनेक्टिविटी के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ यहाँ पे जियो का करीब 4 Mbps की स्पीड है और एयरटेल करीब 18-20 Mbps की स्पीड है। तो अगर आप वोकेशन के लिए आ रहे हो तो यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन, आपके पास अच्छा रिचार्ज होना चाहिए। और यहाँ पे अगर होटल में आप लोगे इंटरनेट तो 49 rupees का प्लान है फॉर 1 hour एंड देन 250 rupees फॉर 48 hours एंड देन आपके पास दूसरा ऑप्शन है 500 rupees अराउंड फॉर 72 hours। सो दिस आर द थिंग्स, मैडम इज बैक। हेलो, सो यू आर वेटिंग फॉर अ रूम। पहुँच गए हम लोग, ज़्यादा देर नहीं लगी फ्रॉम आवर लास्ट ब्रेक अराउंड 1 hour फ्रॉम देयर। और उसके बाद 30 kilometers करीब आपकी चढ़ाई थी और चढ़ाई भी काफ़ी अच्छी थी और रास्ते भी काफ़ी अच्छे थे। सो मतलब यू कैन ईजिली क्रूज एट 30-40 kilometers पर आवर एंड देन कम अप हियर। सो आपको बाहर का व्यू दिखाऊं तो देखिए कितनी सीनिक व्यू है। स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स माउंट आबू, दैट इज द रिसेप्शन, दोज आर द रूम्स। वी गॉट रूम 208। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ द रूम। दिस इज द रूम विद द सिट आउट। So as soon as you enter, you've got the cupboard over here and the washroom, a dressing mirror, and this is the first view of the room. The bed is quite large. There's a TV. Down below, we have a suitcase rack. There's the in-room dining area. A small place to take care of the evening tea and stuff like that. Hello. Hi. And then, you have a place where you can have a nice coffee beside the mountain. So you got a mountain facing room. It's evening right now. It's quite a big room. And you got an AC over here as well. So let me take you outside. Okay, so once you come over here, there you go. You got a huge balcony, man. I think we are sharing it with a different room. But then, wow. This view is really worth it.